आपको तो पता ही है, चाइना दूसरे देशों को कर्ज देता है, बाद में जो देश उसे कर्ज चुका नहीं पाते हैं उनसे वो उनका बंदरगाह, इलेक्ट्रिसिटी लाइन या फिर उनका रेलवे एयरपोर्ट को अपने अंडर ले लेता है, ताकि वो फ्यूचर में यूज इसे कर सके और दूसरे देशों को काउंटर कर सके, ताकि चाइना इस पृथ्वी में इकलौता सबसे बड़ा सुपर पावर बन के उभर के सामने आए। इसी में श्रीलंका भी फंस चुका है, जिसमें श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि चाइना ने ही उसके लिए डेवलप किया था, उसे कर्ज देकर उसे चाइना को देना पड़ा 99 साल के लिए कर्ज में। अब जो सबसे बड़ा विवादित जगह वहां पे है वो है कोलंबो पोर्ट, जो कि कह सकते हैं कि श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट है। इससे बड़ा पोर्ट श्रीलंका के पास नहीं है और यहाँ पे शिप्स आती है और लोग रुकती है तुरंत। दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें बहुत सारे जहाज आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे वेस्ट और ईस्टर्न फ्रंट से, बीच में वो CICT है जिसका फुल फॉर्म है कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, यानी यहाँ पे इंटरनेशनल जितने भी जहाज आते हैं वो यहाँ के रुकते हैं। और आप जो इमेज में अभी CICT देख रहे हैं, ये असल में कोई और नहीं बल्कि चाइना डेवलप किया था। जब ये चाइना डेवलप किया था, ये 2014 में इसका कार्य पूरा हुआ था और 2014 में ही चाइना ने कुछ ऐसा कर दिया जिसका खबर इंडिया को लग गया और इंडिया समझ गया कि अगर इसको अभी काउंटर नहीं किया गया तो इसके लिए दिक्कत है। पर जबकि उस वक्त इंडिया को उतना ध्यान नहीं था, उस वक्त नया नया मोदी सरकार बना था, इसीलिए उस वक्त इस चीज को जाने दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, जो कि 2019 में वापस से ध्यान में सरकार को आया था जब चाइना गलवान घाटी में आके बैठ चुका था। हुआ क्या था 2014 में कि वहां पे 2 सबमरीन लाके रोक दिया गया था, यानी चाइना अपना 2 सबमरीन लाके यहाँ इंटरनेशनल पोर्ट में डॉक कर दिया गया था और वहां से इंडिया का दूरी में है 100 किलोमीटर, यानी वो जब चाहता चाइना तब इंडिया पे अटैक कर सकता था और इंडिया वहां पे तुरंत रिटेलिएट नहीं कर पाता क्योंकि उनका सबमरीन वहां पे बहुत नजदीक था। इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है। फिर इंडिया ने 2019 में जाके श्रीलंका से पूछा कि अब हम क्या करें, तो श्रीलंका ने ही एक उपाय बता दिया, बोला कि देखिए CICT जो है, यानी बीच वाला जो आप अभी इमेज में देख रहे हैं, ये तो चाइना का है, इसको तो हम ले नहीं सकते। एक काम करते हैं, हम आपको ये ईस्ट वाला जो कोस्ट है, आप ईस्ट वाला लिखा हुआ है, ईस्टर्न कोस्ट है, ये आपको दे सकते हैं, आप इसे डेवलप कर लीजिए। ये डील हुआ था 2019 में जिसमें इंडिया और जापान एक साथ मिलकर यहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा था और इन्वेस्ट कर भी दिया था कुछ, लेकिन दिक्कत ये था कि इसमें काम को डिले हो गया था कोरोना वायरस के चलते, जिस कारण यह डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गया था। और जबकि श्रीलंका पे चाइना का बहुत ज्यादा कर्ज है, तो चाइना को उसे चुकता करने के लिए ये वाला ईस्टर्न पोर्ट भी चाइना को देना पड़ा। यहाँ पे भी इंडिया पीछे बैकफुट पे रहा और हार गया। अब श्रीलंका से पूछा गया कि अब बताइए अब क्या किया जाए, तो श्रीलंका बोला कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मेरे पास एक उपाय है, एक काम कीजिए आप मेरा ये वेस्टर्न फ्रंट ले लीजिए। आप जो एक लंबा सा लकीर देख रहे हैं ये वेस्टर्न फ्रंट है और यहाँ पे भी डेवलपमेंट किया जा सकता है बिल्कुल उसी तरह जैसा CICT पे किया हुआ है, और इंडिया को दे दिया गया है और बोला है कि आप इस पर डेवलपमेंट कीजिए। इंडिया ने करीब $700 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किया और विश्वास मानिए $700 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये करीब 1 बिलियन के क्लोज हो जाता है, इतना बड़ा अमाउंट है। और ये कोई और नहीं किया है बल्कि भारत का अडानी ग्रुप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि यहाँ पे बाद में हम लोग चाइना को काउंटर कर सके, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं कि कब वो किस तरह का एक्शन लेता है, इसलिए इंडिया ने ऐसा किया। आप मुझे बताइए कि क्या ये सही है या गलत है।